हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोगों से कल बार बार कह रही थी कमिंग कमिंग, तो मुझे एंजल्स ने गाइड किया है कि क्या कमिंग है। हम लोग एक पिकअप आइल करने वाले हैं हमारी ट्विन फ्लेम के साथ। हम लोग दिसंबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस? यस, यही हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर के लिए बताया जा रहा है कि हम लोग आज ही से प्रिपेयर्ड हो जाए। कुछ ट्रिगर्स है, कुछ मेजर चेंजेस है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमारी ट्विन फ्लेम के साथ दिसंबर में? तो इसके लिए आप लोग या तो रेड चूज़ कीजिए या तो ब्लू चूज़ कीजिए। और जो है आप लोग को यहाँ पे टाइम मिलता है चूज़ करने के लिए। आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और फिर चूज़ कर सकते हैं कि क्या होने वाला है गाइज आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइज, आप लोग चूज़ कीजिए, तब तक जो है मैं और रेड के साथ शुरुआत करने वाली हूँ कि रेड दिसंबर में क्या मतलब आने वाला है और क्या हो सकता है। जिन्होंने भी व्हाट टू एक्सपेक्ट विथ योर ट्विन फ्लेम इन दिसंबर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ दिसंबर में। शफल करते करते मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि गाइज, मैं अवेलेबल हूँ पर्सनल रीडिंग्स के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ एक रीडिंग, तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है गाइज, प्लस आप मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स डाले हैं मैंने हमारे कम्युनिटी पेज पे, प्लीज़ विजिट करते करिए हमारे कम्युनिटी पेज के लिए। वो वही एक जगह है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बताती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करती हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स के फ़ोटो शेयर किए हुए हैं, जो आप लोग मुझसे ले सकते हैं। अगर आप लोग अपने आप को इस क्रिसमस न्यू ईयर पे कुछ अच्छा गिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक हीलिंग क्रिस्टल गिफ्ट कर दीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके प्राइसेस और ये सब, तो वो आपको कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा। तो गाइज़, हम लोग जो है देखने वाले कि दिसंबर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। तो एक कार्ड ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, और भी चीज़ें निकल के आ रही है गाइज। आई लव पिकअप आइल्स, मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यस, ये बहुत सेंसिबल चीज़ है जो होने वाली है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। डोर टू रोमांस का प्रॉब्लम है। आर्कएंजल शैमुएल जो है हमारा ब्रोकन हार्ट हील करने वाले हैं हमारी ट्विन फ्लेम के साथ। इनडिसिशन और कोडिपेंडेंसी ख़त्म होने वाला है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एंजल ऑफ लव की तरह रहने वाले हो दिसंबर में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, ये आपको हैप्पी फैमिली और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, तो अपना लव और कंटिन्यूसली आप लोगों को जो है अपने फैमिली को देना होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी निकल जाएगी आपके लाइफ में से कम्प्लीटली। लोग जो आपसे जेलस थे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आपका हार्ट ब्रोकन नहीं रहेगा एनी लॉन्गर। आर्कएंजल शैमुएल अगर आपके लिए दरवाज़ा रोमांस का खुला हुआ नहीं था अभी तक, तो खोल देंगे। आप लोग एक एक्स्ट्रा हैप्पी फैमिली मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉक्सिक अटैचमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग डिसाइड कर लोगे कि भाई यहाँ से निकलना है। इन डिसीशन में अगर आप लोग आज तक थे, तो मुझे ऐसा लग बताया जा रहा है कि आप लोग इन डिसीशन में थे कि कार्मिक को छोड़ना है कि नहीं, तो ये सब आप लोगों को हो मतलब मिल जाएगा इसका सल्यूशन कमिंग दिसंबर में। मुझे एक और भी गाइस कुछ बताया जा रहा है कि मैं और कार्ड निकालूँ, कहीं ना कहीं ज़रूरत है इसकी। येस, कॉर्नकोपिया, आप लोग को जो है स्टॉर्म टाइम्स ख़त्म हो जाएंगे गाइज, आपके ट्रबल्ड टाइम्स। द स्टॉर्म कार्ड है ये, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। और आपको, आप दिसंबर के आगे अच्छा हैप्पी लाइफ एक्सपेक्ट करेंगे, हैप्पी मतलब आप फैमिली शादी की सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोग जो है ये कार्ड जो निकल के आया, रोमांटिक फीलिंग्स रिवर्स में निकल के आया है। तो ट्रू लव, यस, ट्रू लव एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग में से कई लोग। प्लस कीप एन ओपन माइंड, कई फिर से आया है। अगर चिल्ड्रन आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं अफेक्ट करेगा। ट्रू लव के लिए कीप एन ओपन माइंड, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि वेरी सून चीज़ें चेंज होने वाली है। तो ये वेरी सून जो है दिसंबर के महीने में ही आपके लिए कुछ अच्छा निकल के आ रहा है। तो आप लोग
अगेन फ्लर्ट दिखाई दे रहा है मुझे, इट्स सेफ फॉर यू टू लव रिवर्स में। अगर आपको ऐसा लगता था कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू टू लव गाइज, तो ये चेंज होने वाला है दिसंबर में, क्योंकि आपकी हार्ट की हीलिंग निकल रहने वाली है। अगर आप लोग कार्मिक के साथ जेलस फील कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को ही ये कॉर्नकोपिया मिलने वाला है, ये हैप्पी लाइफ आप लोगों को मिलने वाली है, ये वो चाहते हैं आप लोगों के साथ एक हैप्पी लाइफ, एक यू नो हैप्पी मैरिड लाइफ, एक स्टेबल लाइफ आपके ट्विन फ्लेम आप लोग के साथ चाहते हैं। जस्ट बी पेशेंट, तो पेशेंस भी आ रहा है आप लोग के लिए इसमें, तो जो दिसंबर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है आप लोग के साथ। और अभी के लिए कार्ड आया है कि पेशेंस रखिए इस चीज़ के को लेकर के। तो अगर आप लोगों ने रेड को चूज़ किया था, तो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। तो अभी हम लोग जो है, जिन्होंने भी ब्लू को चूज़ किया था कि, तो देखते कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग दिसंबर में अपने ट्विन फ्लेम के साथ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ दिसंबर में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ। ओके, थिंकिंग मैन इन रिवर्स, और वाओ बहुत अच्छे कार्ड से अगर आप लोग ने ये चूज़ किया है ब्लू, तो विक्ट्री एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे इस जर्नी में, मुझे ऐसा लग रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है, अगर आपने दिसंबर में उनको एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देंगी। अगर उनको नहीं दिख रहा था कि भाई कैसे इस कनेक्शन मतलब टॉक्सिसिटी से निकलना है, धोखे से कैसे निकलना है, ये कैरिंग कनेक्शन से मतलब नहीं है अगर उनके लाइफ में, तो वो थिंकिंग मैन इन रिवर्स हो जाएंगे और जो है दिल से सोचेंगे। ठीक है गाइज, उनकी इल्यूजन से निकलेंगे गाइज, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। मैजिशियन बनेंगे वो दिसंबर में, आप लोगों की विक्ट्री होगी, कम्युनिटी नो लॉन्गर जो है आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है, नो लॉन्गर सोसाइटी और ये सब के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। वो 717 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और जर्नी जो है मुझे दिखाई दे रही है कि वो रियलाइज़ करेंगे कि वो एक जर्नी में है, और ये जर्नी जो है उनको खुशी की तरफ लीड करने वाली है। तो इन द एंड गाइज, अगर आपने ब्लू चूज़ किया है, तो आपकी विक्ट्री होने वाली है गाइज दिसंबर में। बहुत अच्छी न्यूज़ जो है मुझे यहाँ पे दी गई है कि दिसंबर में जिन्होंने भी ब्लू चूज़ किया है, एक्सपेक्ट यूनियन नेक्स्ट ईयर, ये भी एंजल्स कह रहे हैं मुझे। ये रिवर्स में आ गया फाइनेंसेस एंड करियर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू गाइज, आपको करियर और इन सब में हेल्प की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो फ्रेंड्स की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे फाइनेंसेस एंड करियर में। ठीक है, कोडिपेंडेंसी अभी भी इनकी फ्रेंड्स के साथ रहने वाली है, टॉक्सिक लोगों के साथ ये अभी भी कनेक्शन में रहने वाले हैं, लेकिन दिसंबर में इनको ये समझ में आने वाला है कि दिस कुड बी द वन, यू आर द वन एंड यू आर वर्थ वेटिंग फॉर, तो वो अपना रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनका बहुत इंतज़ार किया ये वो जानते हैं, और कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपको बुलाएंगे, वो समझ गए हैं कि भाई आप लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तो यहाँ पे आप लोगों की विक्ट्री दिखाई दे रही है जिन्होंने ब्लू चूज़ किया है, तो एंगेजमेंट आपका लव लाइफ असेंड करने वाला है टू अ हायर सिचुएशन, आपका लव लाइफ असेंड करने वाला है टू अ हायर लेवल। और मेरे को बताया जा रहा है इसमें से भी कुछ कार्ड्स निकालूँ मैं, दिसंबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके ट्विन फ्लेम के साथ। गाइज मैं कमिंग टाइम में, मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस बताए जा रहे हैं इस चैनल में करने के लिए, मैं काफ़ी अलग अलग टाइप के रीडिंग्स ट्राई करने वाली हूँ इस चैनल पे, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि यही DMDF के टॉपिक पे, ट्विन फ्लेम के टॉपिक पे, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि अलग अलग टाइप की रीडिंग्स कर, अलग अलग स्प्रेड्स के साथ जो है मैं आप लोग के लिए रीडिंग्स करूँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड वो पिकअप आई में करूँगी मैं, तो ये बहुत अलग ही रहने वाला है कहीं ना कहीं।
पास्ट को याद करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, जो आपने उनके साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए थे। हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे आपके ट्विन फ्लेम दिसंबर के मोड में, कम्युनिकेशंस एक्सपेक्टेड है। अगर आज तक जो है उन्होंने आपको, आप उनको एक ऑफ़र दे रहे थे और वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो अब दिसंबर में वो आपको ऑफ़र देंगे और आप अपने आप में बिजी रहने वाले हो, क्योंकि वो इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, फिर से आया है इल्यूजन से बाहर निकल रहे। दे कैन सी अ सर्टेन फ्यूचर विथ यू। उनका फियर्स जो है निकलने वाला है। मून कार्ड फियर्स के लिए भी होता है, फियर्स इन रिवर्स है, तो वो इस डर से निकलने वाले, बाहर अपने अंदर जाने वाले, इनर हायर प्रीस्टेस है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और ये जो काम है इनका, जिसके साथ वो आपको मतलब इग्नोर करते रहते हैं, जो चीज़ें वो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, जो यहाँ पे मुझे एडिक्शंस दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाती हूँ, कोडिपेंडेंसी है, एडिक्शन है वर्क के रिलेटेड, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। वो और ये चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, आपको वर्क के नाम पे वो ये ख़त्म हो जाएगा, ये इशू ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, अगर वो आपको वर्क के नाम पे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे स्टार कार्ड को अपराइट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आने वाली है आपके लाइफ में दिसंबर में, दिसंबर के एंड आते आते, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है 17, तो मुझे ऐसा लग रहा है द स्टार 17 कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 17 से रिलेटेड आप लोगों को ज़्यादा मतलब 17 डेज 17 वीक्स आपको लग सकते हैं आपके ट्विन फ्लेम के पास आने के लिए। प्लस ये पर्सन कैसे बैलेंस कर रहा है, आप मतलब दोनों इससे पोर कर रही है, तो मतलब बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है ये, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग लविंग लग सकते हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस में चल रहे हो, ऐसा आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में फील कर सकते हैं। और कुछ और भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग सकते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और मदरली एनर्जी में भी लग सकते हो, जो वो लैक करते हैं कहीं ना कहीं। अगर उनका चाइल्डहुड ख़राब रहा है, मदर के साथ इनके रिलेशनशिप्स ख़राब रहे हैं, तो वो जो है आपको वो नरिशमेंट और केयर के लिए आपकी तरफ देखेंगे कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लग रहा है। प्लस अगर आप मतलब अगर वो चाहते हैं तो वो आपके को अपने मदर ऑफ योर देयर चिल्ड्रन की तरह भी देख सकते हैं। मे बी 2 चिल्ड्रन है जो वो अपने लाइफ में अपने लिए प्लान करके बैठे हैं, तो ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मिल सकता है यहाँ पे। ये सब जो है मुझे स्टार कार्ड ने बताया है। कभी कभी जो है कार्ड्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।